हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। अभी फेस्टिवल का माहौल चल ही रहा है और अभी चलता ही रहेगा। आप दशहरा के टाइम से आप बहुत पकवान खा रहे हैं, बहुत मिठाइयाँ खा ली। इन सब को पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैंने पकवान आपको खिलाया है तो पाचक भी मैं ही खिलाऊँगी। मैं एक पाचक बनाने जा रही हूँ आज, वो है जीरा गोली। बिल्कुल खट्टी मीठी जीरा गोली। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये आप खाना खाने के बाद एक गोली खाएं। इन सब चीज़ों से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। आइए फिर बनाते हैं ये टेस्टी सा जीरा गोली। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा। मैं तो यूं ही खाते रहती हूँ। आइए फिर बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं 3 चम्मच जीरा को भून रही हूँ। धीमी आंच पे भूने इसको। इसको आप लगातार चलाते हुए भूने, नहीं तो ये कहीं से काला हो जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा, जिससे स्वाद बिगड़ जाएगा और रंग भी। इसलिए आप इसको बिल्कुल ही लगातार चलाते हैं, अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, लेकिन इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसको भुनने का रीज़न ये है कि एक तो इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और दूसरा इसका भुनने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मॉइस्चर नहीं होने की वजह से ही आपका सालों तक चलेगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसको मैं एक प्लेट में डाल ले रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि पैन में छोड़ेंगे तो ये फिर इसका कलर और भी काला हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। जीरा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, आइए इसको पीस लेते हैं। जीरा हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरह से पाउडर नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरा है, कुछ पाउडर है और कुछ जीरे के टुकड़े दिख रहे हैं। हमें ऐसा ही चाहिए। ये जीरा जो थोड़ा दानेदार मुंह में पड़ेगा तो उसका स्वाद कुछ और ही आएगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये 3 चम्मच जीरा है, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच अमचूर पाउडर। एक टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून ही सादा नमक। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। साथ में डालेंगे पिसी हुई चीनी 8 चम्मच। ये जीरा गोली खट्टी मीठी बनेगी। इन सबको मिला लेंगे। मैं एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। इन सबको आप खूब अच्छी तरह से चम्मच से मिला लें, कोई लम्स ना रहे। इसमें मिलाएंगे लगभग 2 चम्मच नींबू का जूस। आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, क्योंकि नींबू का जूस डालते ही चीनी भी अपने पानी छोड़ेगा, जिससे ये आपका पतला हो सकता है। इसको हमें बिल्कुल टाइट गूंदना है, टाइट आटा की तरह। और डालेंगे, अभी मैंने इसमें लगभग 2 टेबलस्पून नींबू का जूस डाला है। यहाँ आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो खूब अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ।
आप देख सकते हैं। इसकी आप छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, आप इस तरह से हाथ में लेके इसकी इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लें। आप साइज थोड़ा छोटा या बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह से सारा बना लेंगे। सारी गोलियां बनकर रेडी है। मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें आप पिसी हुई चीनी ऊपर से डाल दें और इस तरह से हिलाएं, ये सब के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप एक इस तरह का जार ले लें कोई भी और उसमें इन गोलियों को भर के रख दें। ये आपके साल भर भी खराब नहीं होंगे। वैसे साल भर तो ये चलने वाला नहीं है लेकिन ये खराब नहीं होता है। बिल्कुल रेडी है हमारे जीरा के गटागट। अब आपको बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आप इसको घर में बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।